नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आशीष कृष्ण शास्त्री ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ भी कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। स्थानीय क्षेत्र के ग्राम पंचायत फरीदाबाद में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में पंडित आशीष कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन बताया कि श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ भी कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। मनुष्य को जीवन परमात्मा ने दिया है, लेकिन जीवन जीने की कला हमें सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। वहीं पर आशीष कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का वाचन करते हुए शास्त्री जी ने कहा कि भगवान सदैव भक्तों के वश में है। भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान श्री हरि धरा पर किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर भक्तों के संकट को हरते हैं। जब कंस के पापों का घड़ा भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जन्म लेकर कंस का अंत कर पापी राजा से भक्तों को मुक्ति दिलाई। इस अवसर पर नंद बाबा एवं श्री कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई। सभी भक्तों ने नन्हे बाल कृष्ण का पूजन किया। इससे पूर्व व्यास पीठ का पूजन मुख्य यजमान श्री रामचंद्र तिवारी ने किया। वहीं पर मोहित पांडे के मधुर भजनों को सुन उपस्थित श्रोता हुए प्रसन्न। इस अवसर पर जौनपुर के सुप्रसिद्ध गायक सुधीर कुमार तिवारी, सुभाष चंद्र तिवारी, कृपा शंकर तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ पंकज मणि तिवारी की रिपोर्ट। वंचित रह गए थे समस्त लोगों को भगवान यहां सुख देने के लिए, समस्त संतों को, मुनियों को, जितने भी हैं सबको सुख प्रदान करने के लिए भगवान इस भरा धाम पर आए हैं। और भगवान इस प्रकार से समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन भगवान सो रहे थे, उठ करके आए तो देखा मैया यशोदा जो है त्रिविधा भक्ति कर रही है, कायिक वाचिक मानसिक, भगवान के लिए मक्खन निकाल रही है और मुंह से भगवान नाम का संकीर्तन कर रही है, अम्बन से भगवान की लीलाओं को स्मरण करके, याद करके आनंद विभोर हो रही है, भगवान की त्रिविधा सेवा कर रही है। इतने में भगवान उठ करके आए, आकर के मैया की गोदी में बड़ी आनंद के साथ बैठ गए। मैया ने देखा लल्ला आ गया, नदी मंथन करना बंद किया, भगवान को गोद में लेकर के लाड़ करने लगे। इतने में एक दासी आई, बोली, अरे यशोदा, अरे मैया, तूने चूल्हे पर दूध रख रखा है और तेरा दूध उबल रहा है, बनने वाला है। यशोदा मैया ने झट से लाला को नीचे किया और टौड़ करके अपना दूध देखने के लिए चली गई। तो दामोदर दास जी को, हमारे कृष्ण कन्हैया को बड़ा क्रोध आया कि मेरी मैया हमेशा कहती मेरा लाला, इसे पूत नहीं दूध प्यारा है, मुझे जमीन पर पटक कर चली गई दूध देखने के लिए। क्रोध आया, वहीं पे रखा हुआ था एक पत्थर का टुकड़ा, बगल में एक माखन की बड़ी मटकी रखी हुई थी, पत्थर का टुकड़ा लिया और उस मटकी पे दे मारा धड़ा। लेकिन जब मटकी फूट गई, बड़ी पुरानी मटकी थी, तो अब सोच समझ गए कि हमने किया तो बड़ा गलत है, लेकिन अब मार पड़ेगी। तो कितने बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बहुत ही चलाक होते हैं, खुद ही गलती करते हैं और रोना भी आगे से प्रारंभ कर देते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।